में भगवान को मानने वाले अरबों हैं ओ राम कहो श्याम कहे खुदा कहे गॉड कहे एक कोई सुप्रीम पावर है ऐसा मानने वाले अरबों लोग हैं लेकिन उसमें से हजारों लोग ही ऐसे हैं जो ये जानते मानते हैं कि भगवान सर्व व्यापक है व्यापक लोग अपने हिंदू लोग भद्रिकाश्रम जाते हैं वैष्णो देवी जाते हैं तिरुपति मंदिर जाते हैं तमाम देवी देवता भगवान के मंदिर हैं, उनके लीला स्थल है वहां जाते हैं इसी प्रकार मुसलमान मक्का मदीना हज करने जाते हैं ईसाई भी सभी इनसे पूछो क्यों जाते हैं इनके दिमाग में कुछ बीमारी है वो ये बीमारी है कि वहां विशेष भगवान है अगर मक्का मदीना होके आ जाएंगे तो फिर स्वर्ग मिलेगा अगर नारायण वगैरह चारों धाम कर लेंगे तो मोक्ष हो जाएगा यानी हम जहां बैठे हैं यहां वो भगवान नहीं है जो भगवान मक्का मदीना और वृंदावन में है अगर ये ज्ञान हो कि यहां भी वही भगवान व्याप्त है जो वृंदावन में है तो फिर सर्वत्र भगवान की भावना बनी रहे मंदिर में कोई बदतमीजी करता हो तो हे मंदिर है छोटे बच्चों को भी डांटते रहते हैं हम लोग हे मंदिर है यहां शंका नहीं करना यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं करना यहाँ कोई पाप नहीं करना यहाँ चोरी नहीं करना क्या मतलब बाहर कर सकते हो क्यों बाहर भगवान नहीं है मंदिर में है ऐसा क्यों बोलते हैं? बोलते ही नहीं मानते भी हैं। अगर हम ये मानते एको देव सर्वभूते सुबूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना सर्वत्र अवसमाना दो शब्द लिखा तुलसीदास ने कि भगवान सब जगह है और समान रूप से है ऐसा नहीं है कि बद्रीनारायण का भगवान जरा बड़ा भगवान है और हमारे पाखाने का भगवान छोटा सा होगा एक ही भगवान है दो चार नहीं है वही सर्व व्यापक है हिरण कशुपु ने प्रहलाद से कहा क्यों रे तेरा भगवान तो बड़ा पवित्र है ने कहा हा ऐसा पवित्र है उसको जो पाले पवित्र हो जाए अच्छा अच्छा ते ये मेरे घर में तो नहीं आएगा ये राक्षस का घर है ना तू कहता है वो सब जगह रहता है अच्छा इस खंभे में भी है उसने मारा गधा खंभे में नृसिंग भगवान प्रकट हो गए अरे गधे में सब जगह रहता हूं तेरे हृदय में भी रहता हूं राक्षस के आइडियाज भी नोट करता हूं उसको भी कर्म का फल देता हूँ भगवान के भक्त कितने हैं आज छह अरब आदमी हमारे संसार में है इसमें कितने भक्त हैं? नाम नाम के भक्त हो ये नहीं वास्तविक तुलसी सूर मीरा कबीर की तरह कितने भक्त हैं? बाकी सब राक्षस ही तो है और क्या है हम लोग क्या है और अपने को मानते रहे बड़े काबिल हैं, बड़े पवित्र हैं, बड़े संत हैं, लेकिन हमारे आइडिया तो सब राक्षसों के हैं गंदे झूठ काम क्रोध लोभ मोह ये सब दोष है कि नहीं हाँ है तो और किसे कहते हैं राक्षस अरे हाँ ये सब गड़बड़ी जिसमें हो वही तो राक्षस होता है हमारे अंदर भी है हा? और वो जो तुलसी सूर मीरा कबीर संत हुए हैं उनके अंदर भी थे ऐसा नहीं है कि महात्माओं के अंदर रहते हैं और दुरात्माओं के अंदर नहीं रहते ऐसा नहीं सर्वत्र समाना सर्वत्र रहते हैं भगवान और समान रूप से रहते हैं छोटे बड़े नहीं होते भगवान में कि एक बटे चार भगवान एक बटे आठ भगवान ऐसा नहीं होता पूर्णस्त पूर्ण मादाय पूर्ण में वशिष्ट वेद कहता है पूर्ण से पूर्ण निकालो तो भी पूर्ण बचे ऐसा है भगवान तो भगवान सब जगह है ये बात जो रियलाइज करे बोले नहीं रियलाइज करे महसूस करे माने प्रैक्टिकल वो आस्तिक है वैष्णव है भक्त है ऐसे कितने सब लोग अपने अपने लिए सोचो फीलिंग में ऐसा आता है क्या सब जगह गौरांग महाप्रभु के जमाने में एक व्यक्ति हरे राम हरे राम, राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे ऐसे ही बोलता रहे बस लगातार तो जब लेट्रिन जाए लघुशंका को जाए तब भी बोलता है निकल जाए मुंह से हरे राम हरे राम अरे राम अरे राम हरे तो किसी ने सुन लिया और जाके महाप्रभु जी से उसने शिकायत की कि लघु शंका करते समय और लेट्रीन के जाते समय भी हरे राम हरे राम बोलता रहता है महाप्रभु जी ने उसको चिपटा लिया यही तो जानता है तत्व को प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना ये यही जानता है तुम लोग नहीं जानते तुम लोग कहते हो ये गंदी जगह है ये शुद्ध जगह है तुम्हारा हृदय शुद्ध है शरीर शुद्ध है ना और अंदर तो भगवान बैठे हाँ क्यों क्यों बैठे आधा किलो पाखाना सबके शरीर में रहता है हर समय और अंतकरण तो और गंदा मन तो और गंदा दूसरे की बुराई पर ही ध्यान रहता है अपनी बुराई पर नहीं रहता वो ऐसा है वो ऐसी है और तुम कैसे हो अरे अपने ऊपर भी तो ध्यान दो तो कल्याण हो जाए तो भगवान सर्व व्यापक है यह बात हमको मानकर अभ्यास में लानी चाहिए अभ्यास में कहीं आप जा रहे हैं हाँ यहाँ भी श्याम सुंदर खड़े हैं यहां भी खड़े हैं इस पेड़ के ऊपर खड़े हैं इस पहाड़ी के ऊपर खड़े हैं इस लेट्रीन के अंदर भी हैं सब जगह है हमारे श्याम सुंदर ये रियलाइज करने का अभ्यास करना चाहिए जैसे मां बाप बेटा बेटी इनको हर जगह रियलाइज करते हो हमारा बाप हो हमारा बाप हो हमारा बाप हो हमारा बेटा हो हमारा बेटा हो, हमारा बेटा हो। ऐसा नहीं है कि एक जगह नहा धो के बैठो तो सोचो वो हमारा बाप है ऐसे ही भगवान हमारा बाप है हमारी मां है हमारा सब कुछ है ये हर जगह रियलाइज करना चाहिए अभ्यास करना चाहिए इसका कभी अकेले ना रहो आप लोग जो भी गलत काम करते हो कब करते हो भगवान को भूल कर अगर भगवान साथ में है ये याद रहे तो गलत काम रुक जाए अरे वो नोट कर लेंगे गलत काम ना करो देखो यहां किसी का एक लाख कोई गड्डी हजार हजार के नोट पड़े हो और हम देख रहे हैं आंख से आ, हजार हजार के नोट है खूब सारे हैं उठा लो अरे नहीं इसी में से किसी का होगा बदनाम हो जाएंगे और पकड़े भी जाएंगे पिटाई भी हो सकती है देख रहा है फिर भी बैठा है फिर देख रहा है फिर भी बैठा सब चले गए कोई नहीं है। क्यों इंसान से तो हम डर करके और ईमानदार बने रहे और भगवान से नहीं डरे जेब में रख लिया तो हम भगवान को कहा मानते हैं हर जगह हमेशा हमेशा सत्यवादी किसे कहते हैं जो हर समय सच बोले कभी कभी झूठ बोले वो सत्यवादी नहीं है क्योंकि संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सच ना बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई बड़ा झूठ बोलने वाला भी हो और भूख लगी है तो क्या कहेगा पत्थर खाए ये रोटी तो मांगेगा अरे सच तो सबको बोलना पड़ता है प्यास लगी है पानी पिला दो झूठ भी बोलता है झूठ बोलने वाला लेकिन सच भी बोलता है लेकिन वो सत्यवादी नहीं कहलाएगा ऐसे ही हम अगर एक घंटे दो घंटे चार घंटे घर के एक कमरे में या मंदिर में बैठकर भगवान की भक्ति कर लेते हैं और बाकी जगह भगवान को नहीं मानते भूल गए तो फिर भगवान को मानने वाले आस्तिक नहीं रहे आस्तिक का मतलब सदा भगवान को मानने अंदर से मानने जबान से नहीं हम लोग कितने बिगड़े हुए हैं कि किसी का बच्चा लेटा हो छोटे से खाट के ऊपर और माँ बाप उसको धूप से उठा करके कमरे में ले जा रहे हैं और कोई कहे कि बोलो राम नाम सत्य है क्या कहा क्या? ठीक गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप अरे ची ऐसी गंदी बात बोलता है ये गंदी बात है राम नाम सत्य है हाँ ये मरने पर बोला जाता है मर गया तब बोलो राम नाम सत्य है और अगर वही मरा हुआ उठ के बैठ जाए रास्ते में ए चुप अपना बोलना नहीं फिर मर जाएगा क्या बुद्धि है कोई बहु विदा हो रही हो पालकी में बैठ के कार ले जा रहे हो बोल दो राम नाम सत्य है देखो पिट जाओगे अरे हम भगवान का नाम बोल रहे हैं वो सत्य तो होता ही है इसमें क्या बात है ये हमारी नॉलेज है भगवान की मान्यता है हमारी तो भगवान को सदा सर्वत्र मन से मानना ये अभ्यास करना चाहिए ठीक है मंदिर में विशेष मन लगेगा बड़ा अच्छा है लेकिन बाहर भी भगवान सदा है ये माने रहो तो अपराध नहीं करोगे नहीं तो जितनी देर मंदिर में बैठे रहे अपराध नहीं किया मंदिर के बाहर गए अपराध किया पाप किया तो इस तरह से तो कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं होगी दस रुपया कमाया बीस रुपया उड़ाया कर्जदार हो गए इसलिए यहां ये वक्ता कह रहा है आय मनुष्य मंदिर वाले भगवान और बाहर वाले भगवान एक ही है और सर्वत्र समान रूप से है ये अभ्यास में लाओ और सदा पाप से बचे रहो और भगवान के समीप पहुंच जाओ लक्ष्य की प्राप्ति कर लो